सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पीएसएल पे कुछ मतलब स्टैंडर्ड्स वाइज भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे वो स्टैंडर्ड नहीं हमने देखा है शायद जो पिछले पीएसएल में देखा मैं था। भी वैसे मैचेस नहीं देखे जैसे मैं देखा करता था, लेकिन लगा हुआ तो लगा हुआ है। स्विच कर लिया कि टेस्ट मैच हो रहा है, इंडिया का हाईलाइट आ रही है, तो आप लेकिन न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है तो फिर आप फोकस डिफरेंट तरीके से हो जाते हैं, फिर लोगों का रुझान इतना ज्यादा नहीं रहा, फिर बॉयकॉट हुआ है कुछ, तो हर एक अपनी आप एक सियासत की तरफ सोच है। ज्यादा हैं चलेंगे अब, आप क्रिकेट सेट के, आप मैंने कहा क्रिकेट सेट के सियासत की तरफ ज्यादा नहीं, चलेंगे अब। सियासत में तो मैं शुरू से वो तो आपको पता ही है, सियासत को हाँ देखते हैं, हाँ शौक से नहीं, देखते हैं पाकिस्तान की, लेकिन इस दफा जो देखा ना तो वो कभी भी नहीं देखा था। लेकिन एक बात है, अपना राइट चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारे वहाँ पीएसएल में हम इतना चीजों को डिले क्यों करते हैं। मतलब अब तो वैसे भी नेक टू नेक लीग चल रही है, अब तो मतलब आपके साथ इंटरनेशनल लीग भी चल रही है एमिरेट्स की, तो बांग्लादेश भी चल रही है, तो फिर साउथ अफ्रीका भी चल फारिग रही है, हो गए तो अभी ना, अभी हम ये फारिग हो शेड्यूल गए। इतना लेट अनाउंस करते हैं, नहीं नहीं मतलब भाई बांग्लादेश भाई, अब का। यकीन करना पड़ेगा हमें, हमें बिलीव करना पड़ेगा कि पीएसएल फारिग हो गई है, ठीक है ना। अच्छा उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब स्टार्ट की ना, अरुण लोगाट आए या रखा साहब का प्लान था या धर्मा थर्मा भट्ट का एक प्लान लेके निकले होंगे, उनसे पूछो आप क्या प्लान था आपको, या सेठी साहब आए उसको एग्जीक्यूट किया, उसमें ये थोड़ी था कि सारे साल दुबई में ही होगी, 2 साल गए वापिस आए, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट देखें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमने की है, हमने कहीं नहीं। हम एक छोटा सा इवेंट बना के मेजबान रख दिया है डोमेस्टिक का, कि आएंगे कुछ लोग बाहर से आएंगे, कुछ हम करेंगे, हाई बनेंगे करेंगे, इसमें आपको प्रोफेशनल चाहिए होते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि आपको चलाने में। आपने कहा हमारी दूसरी नंबर की लीग है, हमने मान लिया, हमने बीपीएच को भी बोल दिया कि नहीं यार ये आईपीएल के बाद दूसरे नंबर की हमारी पीएसएल है। आज मैं देखता हूँ ना 7वें नंबर या 6वें नंबर पर खड़ी हुई है पीएसएल, क्योंकि हमारे भी कोशिश की सरोगेट को लेके आने की कोशिश की, और लास्ट ईयर स्पॉन्सरिंग हुई है, टीवी पे भी हुई है दबा के, और 4 फ्रेंचाइज ने भी दबा के हाँ पैसा बहुत जुटाया, ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो सारा पैसा लिया इन्होंने। अब यहाँ पे हो गई है मुश्किल, पाकिस्तान के साथ साथ पैरेलल उन्होंने खड़ी कर दी बांग्लादेश लीग, सारा सैरोगेट का पैसा है, उसके बाद एमिरेट लंकन लीग दबी हुई उसको भी खड़ा कर दिया, वो भी सैरोगेट का पैसा है, फिर IL T20 वो भी सेम चीज है, फिर साउथ अफ्रीका खत्म हुई हुई थी उसको भी उठा के खड़ा कर दिया, 4 लीग गया गई, 5वीं IPL हो गई, 6ठी हो गई आपकी बिग बैच हो गई, 7वें नंबर पे आ गई आपकी पाकिस्तान सुपर लीग। और जो चलाने वाले थे ना उनको नहीं अंदाजा हुआ कि उनके साथ हुआ नहीं, क्या, लेकिन रैश क्योंकि मजे देखें की बात सुने आप, आईपीएल आईपीएल वाहिद लीग है जिसमें टोटली बैंड है सैरोगेट यस, एडवर्टाइजिंग वगैरह, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, ना लेकिन आपका वही लोग वीडियो हैं ना, हो गया, वही आपका उन्हीं के प्लेयर तक लोग हैं ना, पहुंच नहीं सकता। उन्हीं के लोग हैं ना जो पैसा लगा रहे हैं आप, वो मार्केट तो तमाम इंडिया की है, लोग, उन्हीं के लोग हैं, कोई और लोग इंडिया हैं, की है। देखो वो तो यूक्रेन खेल से रहे तो हैं आपके कौन दिमाग आता से है। आपके, और सारे जितने लोग क्रिकेट अथॉरिटीज को चला रहे हैं हमारे, वो अभी भी प्रोफेशनल नहीं हुआ, हमारे काफी अरसे थे, अब वो किस जॉब के लिए आए थे, अप्लाई क्या किया था, और वो पीएसएल चला रहे किसी के पॉलिटिकल, ठीक है सीख जाता है, नहीं सीख के नहीं लेकिन दिए ये जो यही सर्वर डेवलपमेंट की फिर। आप बात कर रहे हैं, पीएसएल अप टू 7 अगर हम ले लें, 6 ले लें, बहुत जबरदस्त चल रहा है, उसके बाद मतलब उसके बाद सिक्स ही शुरू किया, फ्रेंचाइजी तो नहीं चल अरे रहा होगा उसके ना। बाद तो खड़ी की है ना साउथ अफ्रीकन लीग, उसके बाद खड़ी हुई है, लास्ट हाँ में खड़ी उसके होगी, बाद तो वही दो हो सही गए, दो बोलो। आपकी लंकन लीग हो गई, दो आपकी बांग्लादेश की लीग हो गई, तब रुक गई थी ना, फाइनेंस ही नहीं था, रुक गई थी वो, खड़ी हो गई, आपसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, अब क्लैश कर रहा है तो वो पैसा वहां भाई पे मिल रुकने रहा को था। प्रेफर कर रहे हैं, फर्क तो आ गया ना, आप वहीं पे खड़े रहे कि यार अपनी दुकान चल रही है, दुकान को हाँ बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की, और इस साल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि कराची का रमजान टूर्नामेंट हो रहा है पीएसएल, तो अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो ज्यादा हो गया वैश, इतना भी ना करो यार, फिर नहीं पीएसएल नहीं यार का आप टूर्नामेंट ला बता रहे रहे हैं, हैं, नहीं इस पीएसएल पे पीएसएल है। डिबेट हो हाँ सकती है, बता रहे हैं आप नहीं, कराची में अगर एक बात कराची है ना, में एक चले वजह जाएं ये 10,000 भी लोग तो आ है, जाएंगे ना देखने के लिए। हम देखें, हम टीम में तैयार इंक्रीज करने को तैयार नहीं है, तो कंपटीशन लेवल बढ़ नहीं रहा, लोगों को ज्यादा प्लेयर देखने मिल नहीं रहा है। दूसरा ये कि आपने वही ड्राफ्ट सिस्टम अब तक लेके चल रहे हैं ना, तो फिर प्लेयर कहाँ से आएगा। तीसरा, आप शेड्यूल लेट अनाउंस करते हैं तो प्लेयर ऑलरेडी कमिटेड होते हैं दूसरे लीग्स में, तो वो फिर कैसे आएंगे आपके सबसे अच्छे प्लेयर्स। अभी इस साल आप देखें ना सबसे पीएसएल, ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो है ड्राफ्ट सिस्टम में, हाँ कमाने के लिए बैठी हुई सारी फ्रेंचाइजी, हमें कमाना है, हमें देना नहीं है कुछ भी, अगर ये हाँ ड्राफ्ट सिस्टम खत्म होगा ना तो फायदा होगा। अब हाँ मेरी वैल्यू $25,000 है, लेकिन मुझे वहां पे मिल रहे हैं 50,000 दे रहे हैं, लिखा हुआ है 50, तो बिल्कुल कोई ना कोई तो आंसर नजर आएगा ना, यार कौन कर रहा है ये, मेरी मेरी बिल्कुल हमदर्दी कौन कर रहा है, मुझसे बिल्कुल कट तो नहीं लेगा, तो बिल्कुल सही। ये सारी चीजें मुझे मतलब 1.40 1.50, कुछ प्लेयर्स को तो बहुत कम मिल रहा है, परफॉर्मर वही है उसको कम दे रहे हैं, तो फिर अंडर टेबल बहुत सारी चीजें चल रही है। आप करें ऑप्शन, वही खान साहब की क्या वैल्यू है, जो टीम को रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी बोली लगाते, सीधी सी बात है, तो जहां पे पीसीबी का हाथ है इसको नीचे लेके आने में, फ्रेंचाइज वालों की डोमिनेशन की वजह से, उनकी कम अकली की वजह से ये बहुत बड़ा फर्क आ गया, कि उन्होंने सोचा कि सारा हम खा जाए, इसको बढ़ाया ही नहीं, इसको भाई 2 टीम आएंगी ना, मैच 34 हो रहे हैं तो मैच 48 हो जाएंगे, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, बस ये नहीं, वो है कहते हैं कि कि दो टीम में आपने ऐड कर दी तो हमारा शेयर कम हो जाएगा जो भी मिलता है।
शेयर कम नहीं होता है, आपका आपका शेयर बढ़ेगा उसके अंदर ना, मैचेस बढ़ेंगे ना, मैचेस बढ़ेंगे तो राइट्स बढ़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग आपके, राइट टीवी बढ़ेंगे, राइट्स हाँ बढ़ेंगे स्पॉन्सरशिप आपके, बढ़ेगी। सारी चीजें बढ़ेंगी, मैच नंबर ऑफ मैचेस के ऊपर है ना। फिर आपने दुबई में कराया, फिर चार भाई आपका जो कॉन्सेप्ट था होम एंड अवे का, वो तो नवीं तक लेके नहीं आए आप, आपके पास 6 ग्राउंड बने नहीं है अभी तक। हाँ तो कौन एग्जैक्टली कौन ये सी सही कह रहे पीएसएल हो, है, ये तो कौन बात सी, बिल्कुल वैलिड आपने पॉइंट कोयटा है। को राइट दिए नहीं। ये पिशावर सलमी की मैं कहीं बात कर रहा था, मैंने कहा इसके पास होम होता ना, ये 10 में से 6 जीत जाती है, ये लोग इनके पास इतना क्राउड है, कराची में ये भरे आके, पिंडी में ये भरे आके, या लाहौर में गर्मी भरे, तो सोचने की बात है ना कि यार जो डिजर्विंग है आप उनको जगह क्यों नहीं दे रहे, उनका ग्राउंड तैयार हो गया है अगर, तो बीजेपी खुद जाके उसको कर सकते, लेकिन नहीं है, इतनी शऊर नहीं है, अकल नहीं है, ना करना चाहते हैं ये छोटा से, ये सिक्योरिटी को क्या समझते हैं, होटल में बंद कर दो फॉरनर प्लेयर और लोकल प्लेयर को, ये सिक्योरिटी हो गई ना, इनसे कोई मिलेगा तो क्या बोल सकते हैं इसको। तो जैसा कि दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, उनका कहना यही है कि सिर्फ पीएसएल के प्लेऑफ चल रहे हैं, 2024 के पीएसएल के प्लेऑफ चल रहे हैं, जिसमें पब्लिक यानी क्राउड मैच देखने के लिए नहीं आ रहा। मतलब कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएसएल कितना ज़्यादा 2024 में फ्लॉप हुआ है, और इतना ज़्यादा फ्लॉप तो कोई भी लीग नहीं हुई जितनी पीएसएल लीग फ्लॉप हुई है। ना तो उनके मतलब कि स्टेडियम के लाले है, उसके बाद पब्लिक मैच देखने के लिए ग्राउंड पे नहीं आती, और ये लोग कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ, तो आईपीएल के एक मैच की भी हमें टिकट बड़ी मुश्किल से मिलती है, और दूसरी तरफ पीएसएल के मैच देखने के लिए ही कोई नहीं आ रहा, वो भी प्लेऑफ के मैच। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा तंगी है, कितनी ज़्यादा बैंकरप्ट है पाकिस्तान, और ये लोग फिर कंपैरिजन करते हैं आईपीएल का पीएसएल के साथ, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। और ऐसे ही वीडियो के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।